न्यू कॉलोनी स्थित राजू वंडरवर्ल्ड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 61 रक्तदाताओं ने अपनी बाहें फैलाकर रक्तदान कर मानवता की सेवा की। इस अवसर पर राजू वंडरवर्ल्ड के कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने काफी सहयोग किया। शिविर संयोजक खुशहाल गांधी जनसेवा एवं शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव अग्रवाल, डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर अनिल मलिक, डॉक्टर आरपी गुप्ता, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। मैंने तो 4-5 बार दे चुका हूँ सर। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस करता हूँ सर मैं तो ब्लड देने में। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपना ब्लड साल में 6 महीने में देता हूँ। तो मेरी पत्नी भी बोलती थी आप अपना अपना दे के आ जाते हो, मैंने तो आपको कभी दिलाया नहीं मेरा तो आप। अच्छा, तो मैंने इसलिए आप आज की बार जब मैंने देखा तो मैंने कहा आप भी आ जाओ। मैं ब्लड दे चुका हूँ और मैं अपने साथियों को भी प्रेरणा देता हूँ कि ब्लड देना तो सबसे बढ़िया काम है। इंसान का जन्म मिला है, किसी को ब्लड देके किसी की दूसरे की जान बचाई जा सकती है। किसी भी टाइम ब्लड देने के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। ये अच्छी सोच है आपकी कि इंसान को इंसान काम आना चाहिए। ये भी सभी जानते हैं कि ब्लड फैक्ट्रियों में नहीं बनता, दान देने से ही होता है। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस जो आपकी एज के नौजवान हैं उनमें अधिक से अधिक भावना कैसे पैदा की जा सकती है? तो मानसिकता का फर्क होता है। वैसे ब्लड तो 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है, देने में इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं होती है। कोई कमजोरी आती है उसके बाद आपको? तो काम काज करने में शिथिलता आती हो? थोड़ा सा उसी दिन भारी वजन ना उठाए बस, और बाकी तो सेम डे रिकवर हो जाता। इस अवसर पर 8 महिलाओं ने भी रक्तदान कर लोगों को, खासकर महिलाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। विष्णुमती जी, आपके पति शेर सिंह और आपने मिलकर ब्लड डोनेट किया, पहली बार किया आपने? मैंने पहली बार किया। कैसा महसूस, कोई कमजोरी वगैरह आपको लग रही है? क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए, जो महिलाएं ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, अक्सर कमजोर वो रहते हैं, पीछे रहती हैं महिलाएं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? इस अवसर पर हेमंत चोपड़ा, साक्षी वर्मा, प्रीति शर्मा, विपुल चुग एवं राजू मौजूद रहे। इस शिविर को सफल बनाने में करुणामयी सोसाइटी से मनोज छाबड़ा जी, रेणु छाबड़ा और गणपति रियल इस्टेट ने भी विशेष भूमिका निभाई। करुणामयी सोसाइटी की तरफ से सारा ही योगदान है। हमारी बहुत समय से राजू भैया से बात चल रही थी, जो इस संस्थापक इस संस्थान के मालिक हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा कि 16 तारीख के लिए हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवा दीजिए, तो जो बेस्ट हो सकता था वो हमने सब कुछ प्रोवाइड करा था। अपना ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि 61 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। यह अब तक की सबसे ज्यादा यूनिट रही जो एकत्रित की गई। आज का जो है ब्लड डोनेशन कैंप अपना ब्लड बैंक की तरफ से राजू वंडरवर्ल्ड में लगाया गया और अभी ये शुरू हुआ है, और इसमें जो उम्मीद है कि 50 से ज़्यादा डोनर होंगे। इस रक्तदान शिविर का मेन उद्देश्य है कि भी जो भी जो है पेशेंट इस समय जनरल पब्लिक में जो काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको जो है रक्त की ज़रूरत है और रक्त की काफ़ी कमी हो रही है। पीछे आपने देखा होगा अखबारों में भी काफ़ी आ रहा है कि रक्त की बहुत कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, इस समय पे काफ़ी दिक्कत रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। कोई कुछ नहीं, फौजी भाइयों की याद में लगाया गया। मैंने अपने बैनर्स भी आपने देखे, सब यही देखा, फौजी भाइयों की याद में जो बॉर्डर पर फौजी सेवा कर रहा है ना देश की, इसलिए लगाया गया। इससे पहले भी अपने ये राजू वंडरवर्ल्ड है उस पर कैंप लगाया है आपने कभी? हमने ब्लड डोनेशन कैंप पर्सनल अपने राजू वंडरवर्ल्ड की तरफ से पहली बार लगाया। वैसे ब्लड डोनेशन मैंने खुद 18 बार किया हुआ है और बाकी डोनेशन कैंप में भी बहुत सहयोग दिया है। नवयुवक एकता संगठन के लगते थे जब तक हमारे ही थे वो, साहब दूर नहीं हमसे एक बार।